अपने लेन में रह के अपना कर रहा है, और कोई किसी के कैंप में नहीं, और कोई बिना किसी के अंडर रह के कर रहे हैं, वो सिर्फ मैं और मेरा भाई है। सो जितना तुम लोग का सपोर्ट मिलेगा द मोर बेटर इट विल बी। अमाल मलिक ने एक आर्मी ऑफिसर को ओपनली धमकी दिया है और ये कहा कि अगली बार अगर ऐसा किसी ने भी किया तो उसे ढूंढ के निकालेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। और अमाल मलिक का इस वार्निंग के बाद उस आर्मी ऑफिसर को अपना ट्वीट ही डिलीट करना पड़ा। आखिर हुआ क्या है इनके बीच और उस आर्मी ऑफिसर ने ऐसा क्या कहा था जिसे ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा और अमाल मलिक ने ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक ये वार्निंग जारी की है और उनके इंस्टाग्राम चैनल पर भी उन्होंने ये शेयर करके कहा है सब हर जगह फैला देने के लिए। तो आखिर क्या हुआ है उनके बीच, तो पूरा स्टोरी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दरअसल एक आर्मी ऑफिसर ने रैंडमली अरमान मलिक पर एक कॉमेंट पास कर दिया था, एक ट्वीट कर दिया था अरमान मलिक के खिलाफ। उसने ऐसा क्या कहा था आपको आगे दिखाएंगे। उसके बाद अमाल मलिक ने क्या रिप्लाई दिया आपको वो दिखाते हैं। आप अगर सच में आर्मी ऑफिसर हो तो ऐसी बातें करके आप खुद के रेजिमेंट एंड ऑफिसर क्लैन का इंसल्ट कर रहे हो। हैशटैग संगीत सबसे बड़ा है, ना मैं ना मेरा भाई ना कोई भी म्यूजिशियन। उसने म्यूजिक को अपना जीवन दिया है और वहाँ खड़ा है जहाँ आपको नजर भी नहीं आ पाएगा। एक और रिप्लाई के साथ अमाल ने कहा, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, आपका भी अगर कोई भाई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी कुछ कर ले जिंदगी में। और अगर आपको लगता है कि मेरा भाई मेरे कंधों पर चढ़ चांद छू चुका है तो आप भी मेरे जैसे बनिए। मगर आप लास्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी शूटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अरमान मलिक का ध्यान सारे दुनिया के हिंदी म्यूजिक लवर्स और उनके फैंस रखते हैं, वैसे आपकी गलती भी नहीं है क्योंकि ये तो रीत है जगत की। और एंड में अमाल ने कहा, जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोंके हजार। उसने ऐसा क्या ट्वीट किया था वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद अमाल ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक और स्टोरी डाले है जहाँ पर ये लिखते हैं, नो वन विल बी स्पेयर्ड, ह्यूमंस, कॉर्पोरेशंस, पब्लिकेशंस, को आर्टिस्ट और एनीवन वॉकिंग दिस अर्थ टॉकिंग अबाउट वन्स प्रोफेशनल लाइफ मेकिंग अजम्पशन एंड गॉसिप इज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर एंड ग्लिट्स, बट इफ इट्स अ पर्सनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डोंट सेंसेशनलाइज इट फॉर योर ओन एजेंडा, थिंक बिफोर यू स्पीक, प्रिंट और ब्लर्ट आउट ए फैक्ट दैट कैन डिस्ट्रॉय अ लाइफ। Have the guts and say it to the face unless it's your job to print it. I get it's your job, but at least cross-check details. If you make assumptions and talk about sensitive issues that somehow disturbs the mindset and causes emotional turmoil or anyone that is part of my soul drive, friends, family and my fans, I'll make it my personal mission to find you and rest assured, I'll find you and put you in your place. Instagram channel par share karte hue kaha, nagar mein dindora peet do, thank you. तो आखिर उस आर्मी ऑफिसर ने क्या ट्वीट किया था आपको दिखाते हैं। उस आर्मी ऑफिसर ने उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर लिया था, लेकिन उससे पहले अमाल ने वो स्क्रीनशॉट कर लिया था और उससे अपने स्टोरी में शेयर किए हैं। उसने लिखा है, अरमान जस्ट बिकॉज ही इज द सन ऑफ ए म्यूजिक डायरेक्टर एंड मोस्टली प्लेबैक ऑन हिज ब्रदर्स अमाल मलिक म्यूजिक। तो उसने बेसिकली कहा है, अरमान मलिक बस अपना म्यूजिक डायरेक्टर फादर और ब्रदर के लिए ही है। तो उस स्टोरी को अमाल मलिक ने शेयर करते हुए लिखा, दिस पोस्ट हैज बीन डिलीटेड, दैट वाज क्विक, अपेरेंटली दिस गाय इज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री, हैज ए वेरिफिकेशन बैज एंड हैज बीन स्प्रेडिंग ऑल काइंड्स ऑफ हेट, इंडियन आर्मी को उन्होंने टैग किया है। इट्स नॉट द टॉन्टेड जस्ट सम फ्रस्ट्रेटेड फूल, बट इफ इट इज देन इट्स रियली पैथेटिक एंड ही नीड्स टू पुल्ड अप फॉर दिस। तो अमाल मलिक अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है और सेंसिटिव है, उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, वो स्टैंड लेते हैं। और अरमान चाहे भी कुछ ना बोले लेकिन अमाल बोलते हैं। और ऐसे कुछ दिन पहले भी हुआ था और हमेशा ही होता है, अमाल ने अपने स्पेस में भी ऐसा कुछ कहा है। आई होप आपको ये पूरा स्टोरी क्लियर हो चुका होगा। और भी कोई सवाल है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ।